वहीं खबर मुंबई से है, जहां बिजली के दरों को कम करने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे संजय निरुपम ने अब आत्मदाह की धमकी दी है। संजय निरुपम का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ठीक नहीं होगा। वहीं सूबे के सीएम ने जल्द ही मामले को सुलझा लेने का भरोसा दिया है। इस बिजली के खेल को शुरुआत में भले ही महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने हल्के में लिया हो, लेकिन अब इसका करंट राज्य सरकार को डराने लगा है। अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए संजय निरुपम को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। बिजली की दरों में कटौती को लेकर संजय निरुपम अब आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। 3 दिन से खाना पीना छोड़ करके यहाँ पेट की आग जलाए जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि 26 लाख लोग जो हमारे बिजली उपभोक्ता है उन सबके साथ न्याय हो। वही सरकार के लिए इस फैसले को मंजूरी देना गले की खास बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र की तुलना में मुंबई में पहले से ही बिजली की दरें कम है। महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग बिजली दर तय करता है, सरकार सब्सिडी देकर बिजली दर कम कर रही है। मुंबई में रेट कम किए गए तो सरकार को हर साल 1500 करोड़ सब्सिडी देनी पड़ेगी। गौर करने की बात यह है कि प्राइवेट कंपनीज को सरकार पहले से ही बिजली पर 22,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पर फैसला लेने में देरी कर रही है। बात हो रही है, मैंने जाने से पहले बताया था, आपने नहीं सुना शायद, जब हमने महाराष्ट्र का डिसीजन अनाउंस किया था उसी समय बताया था कि हम मुंबई का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मैंने संजय भाई से बात की है, कुछ एमपीज का डेलीगेशन आगे कल मिलेगा, मैं मिलूंगा, रिजॉल्व दिस। संजय निरुपम जी की जो मांगे है जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे हम सभी के सामने रखी है, तो मेरी कोशिश होगी कि संजय निरुपम जी की मांगे पूरी करने के लिए पूरी तरह शासन प्रयास करे। वही सरकार में भागीदार एनसीपी खुद इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। एनसीपी ने संजय निरुपम के धरने की जगह और उसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। यह सरकार सब्सिडी देकर दामों को घटा सकती है, कंपनियां खुद दामों को तय नहीं करती, कंपनियां अपनी डिमांड एमईआरसी के पास ले जाती है और एमईआरसी उस पर निर्णय लेती है। मुझे लगता है इंटेंशन तो नेताओं का ठीक है, लेकिन जगह और समय गलत है। उधर शिवसेना भी इस मामले में सियासी रोटियां सेकने में लगी है। शिवसेना का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के खातिर इस मामले को हवा दे रही है। ये स्थिति है कि दिल्ली हो या मुंबई हो या हर जगह पे हो, लोग उनको चुनाव के समय सिर्फ उनको प्रभावित करना और बाद में उनको किसी भी तरीके से 4-4, 4.5 साल उनके सवालों के बारे में कोई भी जवाब न देना, ये कांग्रेस की हमेशा की नीति रही है। मुंबई में फिलहाल प्रति यूनिट के लिए 3 रुपए से 6 रुपए 64 पैसा बिजली की दर निर्धारित है, जो किसानों की खुदकुशी के लिए बदनाम विदर्भ रीजन से भी कम है। ऐसे में सरकार अगर इसमें और कटौती करती है तो इसे भला क्या कहा जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही बिजली की दरों में 20% कटौती करने का फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला राज्य के लिए है। मुंबई में प्राइवेट कंपनियां बिजली सप्लाई करती है, इसलिए सरकार को फैसला लेने में देरी हो रही है। इस बीच संजय निरुपम ने अनशन जारी रखा है। एनसीपी का कहना है कि ये अनशन राजनीति से प्रेरित है। अब देखना यह है अनशन पहले खत्म होता है या पहले राज्य सरकार मुंबई की बिजली के बारे में फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। और नेशन सिटी में अगली खबर सतना से है।